Their questions in primer assessment come directly from the pre and post quizzes we give in Hello everybody and welcome back to my channel. So this is going to be very exciting video from my side because I am shooting it with a lot of excitement because this is the only Q&A video on my channel. ऐसी बात नहीं कि ये पहला Q&A video है पर ये पहला ऐसा Q&A है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ. So without any further ado, let's get started. और एक शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ पोस्टिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एक्सेंचर क्वेरीज और एनीथिंग रिलेटेड टू एक्सेंचर. सो इफ़ यू वांट दैट देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो ओके और डन वी वांट दैट बिकॉज इफ आई विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ओवर दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन देन मे बी आई वोंट बी पोस्टिंग दैट बिकॉज to post or to make any video I take my time out of my office or daily routine and post any kind of video for you guys and before posting usko banane mein mehnat lagti hai uske baad editing mein mehnat lagti hai itna sab time mujhe usme invest karna padta hai for that I really need your acknowledgement in the comment section that really you want that Q&A or you want that frequently asked questions kind of series so that your doubts can get solved easily without doing any extra efforts of DMing me or writing anything in the comment section. Just show your love on this video in the comment section if you want and we are good to go and shoot the series of Accenture frequently asked questions. तो वो तो होता रहेगा उससे पहले आज का वीडियो शुरू करते हैं. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वेयर आर यू फ्रॉम आपका रियल नाम क्या है. तो मेरा रियल नाम अंजलि है और इन्हीं के मुझे और दो सवाल आए हैं. तो आपको रियल सिस्टर या ब्रदर या फिर कोई सिबलिंग है या नहीं. तो हाँ मुझे सिबलिंग है. शी इज़ अ फीमेल सो मुझे बहन है. और व्हाट इज़ योर एज एंड बर्थडे. तो मैं 22 ईयर्स की हूँ और मेरा बर्थडे आता है 21 जुलाई को. तो डोंट फॉरगेट टू विश मी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर क्वेश्चंस इन प्राइमर असेसमेंट कम डायरेक्टली फ्रॉम द प्री एंड पोस्ट क्विजेस वी गिव इन प्राइमर मॉड्यूल्स एंड एनी टिप्स टू एस प्राइमर. सो नो दैट इज़ नॉट अ थिंग दैट यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम प्री और पोस्ट क्विजेस इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फाइनल प्राइमर्स एग्जाम. इट इज़ अ मिथ गाइज. इट वोंट हैपन विथ यू एंड नीदर हैपन विथ मी. सो द टिप्स टू एस प्राइमर्स आई ऑलवेज से जस्ट गो थ्रू योर वीडियोज एंड टेक डाउन योर हैंड रिटन नोट्स बिकॉज एट द एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट ड्यूरिंग योर रिविजन टाइम. ओके सो डू वी नीड टू कैरी ऑल ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट ऑन डे वन और एल जेरोक्स इज इनफ. No need to take Xerox or original either. I have said it multiple times. You will only need your PAN card and whatever forms you will be needed, they will hand over you a booklet. In that booklet, all forms will be there mentioned. So no need to carry anything. But for safer side, you can keep a Xerox with you. ओके सो प्राइमर्स और टेक्जेनिक्स कितने मंथ्स तक चलता है ज्वाइनिंग के बाद. तो ये डिपेंड करता है आप लोगों की स्ट्रीम पे. अगर आपकी स्ट्रीम क्लाउड और ओरेकल ऐसी कुछ है तो सिर्फ 2 महीने तक चलेगा. और अगर एबैप और कोई एमएम या एसएपी से रिलेटेड या जावा ऐसी थोड़ी डेवलपर साइड से रिलेटेड अगर कोई स्ट्रीम है तो वो 6 महीने तक चलेगा क्योंकि उसमें लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी होती है. और अगर आपको डेवलपर साइड के प्रोजेक्ट्स मिल रहे होंगे तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो वो 6 मंथ्स तक चलेगा. ओके सो कैन वी एक्सटेंड द डेट ऑफ जॉइनिंग इन एक्सेंचर इफ़ येस वॉट इज द प्रोसेस एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. सो नो यू कैन नॉट एक्सटेंड द जॉइनिंग फ्रॉम योर साइड. इट इज़ इम्पॉसिबल. इफ दे टोल्ड यू टू बी देयर ऑन द DOJ यू हैव टू बी देयर. देर इज नथिंग लाइक यू कैन चेंज फ्रॉम योर साइड. सो वेयर डू यू लिव. सो समटाइम्स आई लिव इन पुणे एंड समटाइम्स आई लिव इन माई होम टाउन दैट इज साकुली. ओके सो next question, what is your favorite food? So my favorite food is, how can I call it, chaat, any kind of chaat, that should be chatpati. Okay so next is, hey dear, I got task mail from Accenture on Jan 5. When can I expect document upload mail from Accenture? See, you got task mail on Jan 5. First, your task need to be uploaded and then it should be verified soon. And after that, you will receive offer letter. And after offer letter, within some months, you are going to receive your DOJ. And after receiving the DOJ, within some days or couple of days, they are going to
launch Countdown to Accenture link for you. They'll activate that link for you, and there you can upload your documents. If you are talking about forms and all, okay, so nominee form, form 11, form F, all kind. And if in touch point link, if you have mentioned that you have your PDC, that is provisional degree, available with you, maybe they'll ask you to upload that. For me, during my time, I had nothing available with me, so I asked them for the time duration, and within 2 months I submitted it. So you have to submit in PDF form. There is no need to submit or show them in a physical thing. Okay, so that's it about today's video. I think I got enough of questions only. So very soon we are going to post next Q&A. And if you are on for my offer, the offer which I made earlier about frequently asked questions, all my Accenture people who love to get placed there, please do write in the comment section, because without that I won't be making any video on that, because time matters, time is money. So yeah, that's it for today's video guys. Agar aapko bhi mere bare mein aur janna hoga aur Q&A chahte honge to please comment down below. Fir se ek Q&A host karenge hum log aur mere bare mein ya phir mere kaam ke bare mein pata karenge. So yeah, bye bye guys, thank you for staying.